हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लेजी हुई हूँ आजकल, मैं वीडियोस इतनी कम कम डालती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रा जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालती रहूँ। तो आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टाइल करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, मुझे पीआर में आई थी, उसके बाद मैंने एक अच्छा सा टेलर देख के उसको स्टिच करवाया। मैं आपको दिखाती हूँ कि साड़ी कैसी है और मैंने उसको स्टिच कैसे करवाया, और उसके बाद हम उसको पहन के देखेंगे। साड़ी वैसे मैंने बहुत कम पहनी है अपनी पूरी ज़िंदगी में, इनफैक्ट मैंने एक ही दफ़ा साड़ी पहनी है और मैं जिंदगी में दूसरी दफा साड़ी पहनने वाली हूँ। तो ये मैंने स्टिच करवाई थी कि मैं आमिर भाई की शादी पे पहनूंगी, लेकिन इसको मैंने जब ट्राई किया ना तो मुझे लगा यार अच्छी नहीं लग रही मेरे पे, तो मैंने नहीं पहनी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इसको जरा अच्छे से फुल मेकअप के साथ, ज्वेलरी के साथ स्टाइल करके देखेंगे। तो चलते हैं जी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैं आपको साड़ी पहले दिखाती हूँ, उसकी स्टिचिंग मैं आपको जरा डिटेल में दिखाती हूँ, और फिर हम इसको पहन के देखते हैं, और फिर एंड पे ज्वेलरी शूली भी पहनेंगे, फुल सही किस्म का तैयार होंगे। चलते हैं जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये पीछे मैंने साड़ी खोल के रखी हुई है, मैं आप लोगों को जरा स्टिचिंग और कलर वगैरह दिखा देती हूँ। ये इसका पल्लू आ गया, ये पल्लू पे कुछ इस तरह से दो एलिफेंट्स बने हुए हैं, ये इसका बॉर्डर आ गया इस तरह से, और साड़ी का ओवरऑल प्रिंट ये है, ये इसका नीचे वाला बॉर्डर है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत यूनिक है और इसका प्रिंट भी बहुत यूनिक है। फिर आ गई जी ये इसकी फ्रंट साइड, मेन पार्ट ये वाला होता है। अगर ये आपका अच्छे से स्टिच हुआ हुआ है ना तो आपकी साड़ी फ्रंट साइड से पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है, और दर्जी ने मतलब अच्छी सी दी है, उम्मीद नहीं थी मुझे लेकिन अच्छी सी दी है। अगर आप साड़ी स्टिच करवाने का सोच रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अपने जो दर्जी हैं, मास्टर साहब हैं, उनको बोलें कि पल्लू के इधर इधर जो कपड़ा है, जहाँ पे आपका ये चुनट्स वाला पार्ट आ रहा है, फ्रंट वाला पार्ट आ रहा है, इसके इधर इधर इस तरह से नीचे डबल कपड़ा लगा दें। इससे क्या होता है, आपकी साड़ी बिल्कुल सीधी आती है, पहनी हुई फ्रंट साइड से बहुत अच्छी लगती है, लुक साड़ी की आपकी अच्छी बन जाती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपने साड़ी स्टिच करवानी है तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, इस तरह से डबल कपड़ा लगवा दें, ठीक है, इतना इतना सा है ये कपड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे आपका जो हुक है वो अटैच होगा, और इसके साथ है जी हमारे पास ये वाला ब्लाउज, हाफ बाजू रखवाया मैंने छोटे छोटे से, इस तरह से बोर्ड नेकलाइन है, और बस ये हमारे पास साड़ी हो गई। अब हम चलते हैं जी और इसको पहन के देखते हैं। ये देख लें जी, साड़ी मैंने पहन ली है, और पहन के ये कुछ इस तरह की दिख रही है। ये आ गया इसका पल्लू, और यहाँ से मैंने अंदर की तरफ को सेफ्टी पिन लगा के इसको सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसके साथ ज्वेलरी पहनूंगी और आपको मैं दूसरी तरफ को कैमरा घुमा के क्लियरली दिखाती हूँ, क्योंकि मिरर में सही नज़र नहीं आ रहा। अब हम अपनी लुक को एक्सेसराइज कर लेते हैं। ज्वेलरी के अंदर मैं ये वाइट कलर का कुंदन का चौकर पहनूंगी, इसके नीचे ड्रॉप शेप पर्ल्स लटक रहे हैं, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद बाजू बहुत सुनने सुनने लग रहे हैं, तो हम लोग ये वाली चूड़ियाँ पहनेंगे। इसके अंदर भी एक एक चूड़ी कुंदन की है, सेंटर वाली पर्ल्स वाली हैं, बहुत ही बारीक सी। और ज्वेलरी को हमने बहुत मिनिमल और एक ही टोन के अंदर रखना है, क्योंकि हमारी साड़ी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे कलर्स हैं। फिर साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं गोल्डन कलर की स्ट्रैप हील्स पहनूंगी। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो प्लीज़ फ्लैट जूते मत पहने, खुसा मत पहने, हमेशा हील पहने, भले ही आपकी हील छोटी सी हो लेकिन हील ही पहनी है आपने। और ये रहा जी हमारा फाइनल लुक। और यहाँ पे मुझे शदीद किस्म का एक गाना आ रहा था, बन्नू की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, ओ माने या ना माने मैं तो उस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। मैं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा सकती क्योंकि YouTube ने उसी टाइम कॉपीराइट भेज देना है, तो मैंने आपको अपनी बसुरी सी आवाज़ में सुना दिया है, प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें।
ओके जी, सो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है खत्म। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से नीचे जाएं और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।